हाय फ्रेंड्स, कच्चा रास्ता, सड़क भी नहीं बनी हुई, बारिश हो जाए तो गाड़ी चलाने से भी डर लगता है। जी हाँ, हम जा रहे हैं माँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन के लिए, जहाँ पे हमें 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक देनी पड़ी क्योंकि गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। रास्ते के हालात बहुत ही जर्जर। वहाँ पता है हमारी मुलाकात किससे हुई? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सगी बहन। जी हाँ, आपने सही सुना, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सगी बहन वहाँ पे एक छोटी सी शॉप चलाती हैं। जब मुझे पता चला, मुझे बहुत हैरानी हुई और एक प्राउड फील भी आया कि हमारा मुख्यमंत्री जो अपनी बहन के लिए एक इशारा दे सकता है और उनके एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक लोनली प्लेस पे एक छोटी सी शॉप चलाती हैं। ये उनके हस्बैंड की शॉप और ये खुद योगी आदित्यनाथ जी की सगी बहन, जो छोटा उनके लिए छोटा काम कुछ भी मायने नहीं रखता। कि हाँ, उनको कोई भी गुमान नहीं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी की बहन हूँ। वो प्राउडली अपनी जीविका चला रही हैं। उन्होंने हमें कॉल किया कि आप आइए, यहाँ से प्रसाद लेकर जाइए, जैसे नॉर्मल वेंडर करते हैं। हम वहाँ पे रुके, पर उन्होंने नहीं बोला हमें कि मैं योगी जी की बहन हूँ। ऊपर हम गए, दर्शन किए, वहाँ पे यूट्यूबर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि नीचे एक शॉप है माँ भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार, आप वहाँ पे लेडी होंगी, उनसे ज़रूर मिलकर जाना। तब हम उनसे नीचे मिलने के लिए आए, उनसे मैंने फ़ोटो के लिए बोला, उन्होंने साफ मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो मानी, लेकिन मान भी गई तो अपना फेस वो इधर उधर कर रही थी ताकि उनकी पिक जो है क्लियर ना आए। पर मुझे ही बहुत ही जोश आया हुआ था कि क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील आ रहा था कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो उनको बहुत कुछ मिल सकता है पर वो उस फायदे को नहीं लेते हैं। दैट्स ग्रेट फीलिंग, प्राउड ऑन हर एंड प्राउड ऑफ मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। हमारे देश के मुख्यमंत्री ऐसे हों तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सैल्यूट टू हिम, सैल्यूट टू हर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।